Hello everyone. In this video, we are going to study the concept of psychometry. Psychometry क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा study करेंगे इस वीडियो में. ये हमारा refrigeration and air conditioning का part है. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि psychometry क्या चीज़ है. What is psychometry? Psychometry, it is the studies of properties of moisture. Moisture की जो properties हैं उनको study करना हमारा क्या कहलाता है, psychometry कहलाता है. देखिए, अब ये मॉइस्ट एयर क्या होती है, व्हाट इज़ दिस मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर कंसिस्ट ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, मीन्स इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर्स. देखिए, साइकोमेट्री के अंदर तो जनरली आपको समझ में आया होगा साइकोमेट्री क्या है. यह स्टडीज है किसकी, मॉइस्ट एयर को स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, साइकोमेट्री. तो साइकोमेट्री इस चैप्टर में हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो कि हमें याद रखनी है. वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं. सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, इसका सिंबल है ये स्मॉल डब्लू. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं वो अलग अलग सिंबल्स लेके चल सकती हैं इसका, बट एक कन्वीनियंस के लिए आप कोई भी एक सिंबल अपना जो याद रख सकते हैं. इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो. दिस इज स्मॉल डब्लू. इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, एक रेशियो है किसका, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर. मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर एट गिवन वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर. मीन्स आपका वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है और आपका टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो उसके केस में रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर. तो देखिए, दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ एयर. ये इसकी एक फॉर्म, इसकी हमने डेफिनेशन से उठाई है. इसी को हम, इसकी जो एक सेकेंड फॉर्म है वो क्या लिख सकते हैं, रो वी, मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. रो वी बाई रो ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एम को क्या है, रो में लिख सकता हूँ, तो रो वी बाई रो ए. और इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका एक फाइनल फॉर्मूला आता है हमारा 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी. 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अगर आपको दिस डब्ल्यू की वैल्यू, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालनी है, तो मोस्टली केसेस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी. इसका डेरिवेशन भी कोई ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है. यहाँ पे अगर मैं, जैसे कि आपने डेफिनेशन से पता है W इज इक्वल टू एम वी बाई एम ए, तो मेरे को जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो मैं वहाँ से इसका डेरिवेशन करके, मैं इसको मास की वैल्यू पुट करके मैं वहाँ पे इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. बट वो हमारे लिए इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. अगर मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो की बात करता हूँ, तो मेरे को याद रखना है कि इट इज़ ए रेशियो बिटवीन मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, और 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी. 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी. देखिए, अभी एक डाल्टन्स लॉ आता है पार्शियल प्रेशर. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसने क्या बोला कि पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी. दिस पी इज अवर एटमोस्फेरिक प्रेशर. मीन्स क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर किसके इक्वल होगा, हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. दिस पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो ऊपर वाली टर्म हमारी जो डब्ल्यू की निकाली है हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, इसके अंदर पी वी क्या है और पी माइनस पी वी क्या है. पी वी इज अवर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड पी ए इज अवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर. अब मैं इस डब्ल्यू की यूनिट की बात करता हूँ. देखिए, ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो दिस डब्ल्यू इज अवर केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर. केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, देखिए जो आपका मास ऑफ वाटर वेपर है वो भी केजी में लेके चलेंगे, और जो आपकी ड्राई एयर है वो भी केजी में लेके चलेंगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर. इसको शॉर्ट में हम समटाइम्स लिख देते हैं केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर. अगर आपको किसी दूसरी यूनिट में दे रखा है तो वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, जैसे आपसे वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चाहत क्या है. जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे. अदरवाइज जो स्टैंडर्ड केस है वो हम लेके चलते हैं केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर. इसको स्टैंडर्ड केस में क्या लेके चलते हैं, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर. तो ये थी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है हमारी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज अवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी.
क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सिंबल है इसका फाइ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंबल है मेरे पास फाइ। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन इन ए गिवन वॉल्यूम एंड एट ए सेम टेम्परेचर। सेम वही है कि वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है। तो क्या डिफाइंड किया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। मीन्स आपका वाटर वेपर का मास कितना है और अगर वो सेचुरेटेड कंडीशन हो जाए तो उस टाइम वाटर वेपर का मास कितना होगा। तो इसी को इसका जो एक सेकंड फॉर्म है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। दिस फाइ इज इक्वल टू एम वी बाई एम वी एस और पी वी बाई पी वी एस। देखिए अगर मास को मैं अगर वो लिखता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से, अगर मैं लिखते हैं पी वी 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 इज इक्वल टू एम वी आर वी टी वी डिवाइड बाई पी वी एस वी वी एस एम वी एस आर वी एस एंड टी वी एस। देखिए आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, आपका आर की वैल्यू भी सेम है और वी वी की वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ से जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया है कि एम वी बाई एम वी एस इजिकल टू पी वी बाई पी वी एस, तो यहाँ से लिख दिया, आप रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है। और रिलेटिविटी है क्या, रेशियो है ये मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या हो जाता है, मीनिंग देखिए अगर आपकी फाई की वैल्यू 60% है, फाई की वैल्यू है 60%, इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ स्टिल एबल टू एब्जॉर्व 40% ऑफ वेपर्स। अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपका कंटेंट है, ये जो एयर है, वो 40% वेपर्स को और अभी एब्जॉर्व कर सकता है। इट कैन स्टिल एब्जॉर्व 40% ऑफ वाटर वेपर्स। देखिए नोट है, ये नोट क्या है कि द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इंडिकेट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन एयर। वो क्या शो करती है कि कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। वेर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या इंडिकेट करता है, इनडायरेक्टली द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट एयर, कि जो हमारी प्रेजेंट एयर है वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्व कर सकती है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है अभी, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्लेन करती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक टर्म आती है हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका एक सिंबल हम लेके चलते हैं स्मॉल टी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या सिंबल है, स्मॉल टी। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर्ड बाई ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। आपने कोई भी थर्मोमीटर लिया है, वहाँ से उस मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर मेजर किया, वो क्या होगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसका सिंबल हम क्या लेके चले हैं, टी। ये चैप्टर जो ये लेक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक इस साइकोमेट्री की टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो पूरा जो बेस है वो क्या है, आपकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इसका सिंबल मैं क्या लेके चला हूँ, टी डैश। वेट बल्ब टेम्परेचर का सिंबल क्या लेके चला हूँ, टी डैश। इट इज़ द टेम्परेचर शोन बाई थर्मोमीटर हुज बल्ब इज कवर्ड विद वेट क्लॉथ। देखिए हमने एक थर्मोमीटर लिया, उसके बल्ब जिसका जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसके ऊपर हमने एक वेट क्लॉथ या एक विक मीन्स रुई लगा दिया आपने कोई भी, और उसको उससे जब हम मॉइस्चर का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो जो वो वैल्यू देगा वो होगी हमारी क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू। इसका सिंबल क्या लेके चलेंगे, टी डैश। नेक्स्ट है हमारी वेट बल्ब डिप्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेट बल्ब डिप्रेशन। देखिए इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। आपने ड्राई बल्ब टी माइनस टी डैश की वैल्यू लेके चला, क्या है डिफरेंस बिटवीन टी माइनस टी डैश, इनमें जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे वेट बल्ब डिप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, कई बार छोटे मोटे डेफिनेशन छोटे मोटे क्वेश्चन के अंदर ही डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे कि वट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए इट इज़ द सेचुरेशन टेम्परेचर, इट इज़ द सेचुरेशन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल ऑफ कंडेंसेशन और वाटर पार्टिकल्स जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस। मीन्स आपके पास क्या है कि सुपर हीटेड एयर है, आपके पास सुपर हीटेड जो आपका मॉइस्ट एयर है उसकी कंडीशन कैसे होती है, सुपर हीटेड होती है। जब वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस टेम्परेचर पर होती है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज़ द सेचुरेशन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। मीन्स जो आपका वाटर वेपर है उसका जो पार्शियल प्रेशर है पी वी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर है स्टीम टेबल से जो आपको मिलेगा वो क्या होता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नोट हैं छोटे छोटे जो कि आपको याद रखने हैं, जो इस साइकोमेट्री में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो क्या हैं कि अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड एयर है, मीन्स अगर आपके पास अनसेचुरेटेड एयर है तो उसके केस में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर
सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम वैल्यू होगी वेट बल्ब टेम्परेचर की, और सबसे कम होगी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। अनसेचुरेटेड केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, उससे कम वेट बल्ब टेम्परेचर और उससे कम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ सेचुरेटेड एयर, अगर वो सेचुरेटेड एयर है तो ऑल द थ्री टेम्परेचर्स आर इक्वल, सारे के सारे टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन द एयर इज़ फुली सेचुरेटेड, अगर एयर आपकी फुली सेचुरेटेड है तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% और 1, मीन्स फाई इज इक्वल टू एम वी एस बाई एम वी एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स जो आपको मास ऑफ वाटर वेपर क्या फुली सेचुरेटेड है तो क्या हो जाएंगे, टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो आपको मास ऑफ वाटर वेपर है वो सेचुरेटेड कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ सेचुरेटेड एयर द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0। देखिए अगर सेचुरेटेड एयर है तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेकंड पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट बल्ब डिप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अभी हम एक यूज करते हैं, स्लिंग साइकोमीटर इज यूज टू मीजर बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज वेल एज वेट बल्ब टेम्परेचर। तो आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ये स्लिंग साइक्रोमीटर होता है ये कौन कौन से टेम्परेचर मेजर कर सकता है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे दोनों ही मेजर कर सकता है। देखिए नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, सिंबल क्या है इसका, म्यू। तो देखिए ये क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेचुरेटेड कंडीशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेचुरेटेड कंडीशन। तो देखिए आपको पूरा फॉर्मूला पता है, ओमेगा बाई ओमेगा, इसको मैंने कैलकुलेट किया, सोल्व किया है कैसे, ओमेगा वैल्यू आपको पता है 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी, और अगर आप सेचुरेटेड कंडीशन के उस पर लेके चलेंगे तो 0.622 पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी एस, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपका पी वी अपॉन पी वी एस पी माइनस पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी, और इससे मैंने जो इसका फाइनल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया वो क्या है, देखिए जो आपका पी वी अपॉन पी वी एस है ये क्या है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, तो फाई इंटू पी माइनस पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी। तो देखिए अगर आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है और परसेंटेज ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ये आपका फॉर्मूला आप इजीली याद रख सकते हैं, दिस म्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ठीक है, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपको मैंने बता दिया है क्या आया है। नेक्स्ट एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, समटाइम्स आपसे पूछ लेता है कि इंथैल्पी कितनी होगी, आपको सारी वैल्यू गिवन देके रखेगा और पूछेगा कि इंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए मॉइस्ट एयर की, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, दिस एच इज इक्वल टू 1.005 टी प्लस डब्ल्यू इंटू 2500 प्लस 1.88 टी, H इज इक्वल टू 1.005 टी प्लस डब्ल्यू इंटू 2500 2500 प्लस 1.88 टी किलो जूल पर केजी। जो यहाँ पे T है, ये T आपका क्या है, ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, याद रखना है T क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो आपसे अगर वो इंथैल्पी की वैल्यू पूछता है तो आप इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक हमारे पास आता है एपजॉन फॉर्मूला, एपजॉन फॉर्मूला, ये क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है किसका, वाटर वेपर का, मींस आपको वैल्यू निकालनी है पीवी की, किसकी वैल्यू, पीवी की, और देखना है, ध्यान रखना है कि इस पीवी के जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन सेचुरेटेड या सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वो करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू। तो देखिए अगर आपको इस दिस पी वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, पी डैश वी माइनस ऑफ 1.8 पी इंटू टी माइनस टी डैश अपॉन 2700, क्या है, दोबारा देखिए, पी वी इज इक्वल टू पी डैश वी, दिस पी वी इज इक्वल टू पी डैश वी माइनस 1.8 पी इंटू टी माइनस टी डैश अपॉन 2700। देखिए टी आपका क्या है, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टी डैश क्या है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, दिस पी इज क्या है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है, पी डैश वी क्या है, पी डैश वी इज योर प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू विच जो आपका टेम्परेचर जो सेचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, टी डैश मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना पड़ जाए वाटर वेपर का और आपको सारी ये वैल्यू गिवन है तो आप एपजॉन फॉर्मूला का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू पी डैश वी माइनस 1.8 पी इंटू टी माइनस टी डैश अपॉन 2700। देखिए ये जो जनरली क्या है, इन सभी के डेरिवेशंस हैं, ऐसी बात नहीं कि डेरिवेशन नहीं है, बट वो क्या है, इतने हमारे यूज़ की नहीं है वो, अभी हम इतने उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, तो हम ये कहेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके हम उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें इन चीज़ों के ऊपर, तो क्या है इजीली याद रख लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए अभी एक क्या है कि एक जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की वो अब आई है, देखिए क्या है,
जो आपका टी है, टी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी विल रिप्रेजेंट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर टेकन इन डिग्री सेल्सियस। टी क्या है आपका, ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो कर रहा है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। टी डैश क्या है आपका, टी डैश है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर टेकन इन डिग्री सेल्सियस। आपको पता है टी क्या है आपका, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, टी डैश क्या है आपका, वेट बल्ब टेम्परेचर। डी पी टी क्या है आपका, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पी वी क्या है, पी वी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पीसी क्या है, सॉरी पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। कोरस्पॉन्डिंग टू पीवी द सेचुरेशन टेम्परेचर प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर आप पीवी के कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो किसकी वैल्यू करेगा, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू आपको देगा। अगर मैं पी डैश वी की बात करता हूँ तो इट इज द सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है, सेचुरेशन प्रेशर है कोरस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, टी डैश। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पी वी एस की, अगर मैं बात करता हूँ अभी पी वी एस की, दिस पी वी एस इज अवर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। पी वी एस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। कोरस्पॉन्डिंग टू पी वी एस द सेचुरेशन टेम्परेचर प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर आपका जो पी वी एस है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप सेचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे तो वो किसकी वैल्यू देगा आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। याद रखना है कि टी रिलेटेड है, देखिए मेन्स टेबल का बेनिफिट क्या है, दिस टी इज रिलेटेड टू दिस पी वी एस, टी इज रिलेटेड टू पी वी एस, दिस टी डैश इज रिलेटेड विद पी डैश वी, एंड दिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज रिलेटेड विद पी वी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिलेटेड विद पी वी। इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का। यही जो हम इस पॉइंट तक पहुंचे हैं वो पूरा जो पीछे का स्टडी करके मेन इनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको किस कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर के किस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है और कौन से टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हमारा प्रेशर है। तो आपको याद रखना है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पी वी, पी डैश वी, टी डैश और पी वी एस टी। नेक्स्ट है हमारा पी, पी क्या है हमारा टोटल प्रेशर, और इफ टोटल प्रेशर इज नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन देन वी कैन टेक इट एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.01325 bar, और 1.01325 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और 101.325 kPa। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने साइकोमेट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी को स्टडीज़ किया है, लाइक आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, और आपकी बेसिक साइकोमेट्री किसे बोलते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें स्टडी की हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे वो आएंगे हम वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए इन टर्मिनोलॉजीज को, देन आप इजीली मूव कर पाएंगे वेरियस प्रोसेसेस ऑफ साइकोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।